क्या लिखा है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आज बता, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिस इक्वेशन की, ये सब इक्वेशन कहलाती है, ये क्या कहलाती है? इक्वेशन। ये क्या कहलाएगी? इक्वेशन। मतलब इक्वल टू लगा हो, इधर कोई नंबर हो, वेरिएबल हो, इधर कोई नंबर हो, ठीक है। तो ये इक्वल टू के इधर LHS होता है, इक्वल टू के इधर RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। मतलब इसका ये होता है कि जो इधर लिखा है वही इधर वालों को, जितना 40 इधर लिखा है तो 40 इधर भी आना चाहिए, ठीक है, सॉल्व करने पर, जोड़ने पर। अब यहाँ पर मुद्दा ये है, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? जिस वेरिएबल की पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पावर 1 है, जब कोई पावर नहीं x की तो 1 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, x यहाँ y z कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो ये सब इक्वेशन में पावर 1 है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वेरिएबल भी एक ही है, y नहीं है, एक ही है। अगर x की जगह y होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, y प्लस 5 बराबर 40 z होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएंगे। अब मुद्दा ये है कि कैसे करते हैं। इधर 40 लिखा है, इधर भी 40 होना चाहिए, इक्वल टू के इधर 40 है तो इधर भी 40 कैसे होगा? किस नंबर में 5 जोड़ें कि 40 हो जाए? 35। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 35। ओरली आपको समझ में आएगी, लेकिन करना कैसे है? तो आप क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, x को यहीं रखा, अब ये प्लस 5 था और इक्वल टू 40 लिखा था, ये प्लस 5 उधर जाएगा, माइनस 5 वहाँ से हट गया, तो 40 में से 5 गया 35। तो ये x की वैल्यू आ गई 35। क्लियर हो गई बात, कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, लेकिन अब इसी तरह अगले सवाल में बस हमने क्या किया, इस x के साथ 5 मल्टीप्लाई में रख दिया। अगले सवाल में देखिए क्या किया है, यहाँ x प्लस 5 बराबर 40 था, यहाँ भी x प्लस 5 बराबर 40 है, सेम इक्वेशन है ना, लेकिन बस हमने सेम इक्वेशन है ना, पहले वाली की तरह एकदम सेम, बस यहाँ पे 5 बढ़ा दिया मल्टीप्लाई में, ठीक। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले जैसे इसको किया वैसे इसको करेंगे। पहले क्या करेंगे, 5 को इधर भेजेंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, 40 लिखा था इधर, 5 प्लस का था उधर आएगा, माइनस 5, यहाँ से 5 हट गया, यहाँ पे क्या बचा, 5x बचा, ठीक है, यहाँ पे x बचा था, यहाँ 5x बचा है ना, 40 में से 5 गया, कितना बचा, 35, इधर बचा 5x। अब x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, नंबर और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई छुपा होता है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो नंबर नीचे चला जाएगा, ठीक है, 35 है, यहाँ मल्टीप्लाई में ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, 5 × 5 × 5 × 7 × 35, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इस सवाल में क्या है, x में से x माइनस 14 बराबर 16, यानी कि इधर 16 है तो इधर भी 16 आना चाहिए, तो किस नंबर में से 14 घटाएं 16 बचे, किस नंबर में से 14 घटाएं 16 बचे, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे तो आपको, हाँ नहीं 20 नहीं 30। अब कैसे होगा, इसको उधर भेजना होता है ना, x की वैल्यू निकालनी है तो उसको उधर भेजेंगे। अब आपको x इधर लिखा है तो x इधर लिखा रहा, 16 इधर लिखा तो लिखा रहा, माइनस 14 उधर जाएगा, प्लस 14, यहाँ पे देखिए प्लस 5 था उधर गया, माइनस 5, प्लस था तो माइनस हो गया, यह माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या था, 5x था, इस केस में ये उधर नहीं जाता है 5, इस केस में नीचे जाता है, क्यों, यहाँ पे इस सवाल में फ़र्क ये है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, नंबर और वेरिएबल के बीच में, यहाँ नंबर और वेरिएबल के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, वेरिएबल कितने कहते हैं, ए से जेड तक, एक्स वाई जेड है ना, तो यहाँ पे माइनस 14 था उधर गया प्लस 14, और 16 और 14 कितने होते हैं, 6 × 30, 30, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30। क्लियर हो गई बात। अब ये कैसे होगा, इस सवाल में क्या किया हमने, यहाँ पे एकदम देखिए, जैसे इसमें x लगा दिया, x के साथ 10 मल्टीप्लाई में लगा, वैसे इसमें भी कर दिया। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे माइनस 14 उधर गया, इसमें भी माइनस 14 उधर जाएगा, माइनस 14 उधर जाएगा, प्लस 14 हो गया, ठीक है, तो 16 प्लस 14 30 हो गया, इधर बचा 10x, एक्स की वैल्यू निकालने, 10 नीचे चला जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कटा, 1 नीचे नहीं लिखते हैं, x बराबर आ गया 3, या ऐसे भी काट सकते हैं, 10 × 10, 10 × 3 = 30, अभी 3 आता। अब इस सवाल में देखिए ये कैसे होगा, अब इस सवाल को देखिए, इसमें भाई भाई एक तरफ करते हैं, 10x इसमें x लगाए हैं, 4x इसमें x लगाए, तो ये दोनों भाई भाई हैं ना, तो इनको एक साथ करेंगे, और ये माइनस 14 है और ये फिर 16 है, ये दोनों नंबर हैं, तो ये दोनों भाई भाई हैं, तो पहले हम क्या करें, नंबर वाला इधर वाला छुपा ले, थोड़ा हल्का लगेगा, 10x है, 4x को इधर ले जाएंगे भाई की तरफ, है ना, तो 4x इसकी जगह पर चला जाएगा और ये 14 इधर चला जाएगा इसकी जगह पर, ठीक है, कैसे आएगा, देखिए 10x यहीं लिखा रहा, 4x इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का 4x हो गया, ठीक है, 16 इधर लिखा था, लिखा रहा, माइनस 14 इधर आ जाएगा,